अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यूँ ही बैठी थी तो ख़्याल आया कि एक वीडियो बनाऊँ, जस्ट छोटी सी वीडियो बनाऊँ जिसमें आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें समझ आ जाएं। आप लोगों को पता है कि हमारी ज़िंदगियों में सुकून क्यों ख़त्म हो जाता है, या हम में से अक्सर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेसुकून रहते हैं, उनको सुकून नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती। तो मैं बताती हूँ कि जब हम खुदा से दुआ करते हैं तो हम अपने रब से मांगते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों की तमन्ना करते हैं, लोगों की तमन्ना करते हैं और मांगते हैं, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि खुदा से जो चीज़ मांगनी चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ सुकून है। अगर आपके पास इस दुनिया में सुकून और खुदा की इबादत का हुनर होगा ना, तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी बेसुकूनी नहीं आएगी। जब भी आप खुदा से दुआ करें, ये दुआ ना करें कि अल्लाह हमें बहुत अमीर बना दे, हमें दुनिया की हर वो आसाइश दे दे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने अपनी खुशी के लिए तो कुछ मांगा ही नहीं, हम तो लोगों के पीछे जी रहे हैं। कभी भी अपनी ज़िंदगी को लोगों पे डिपेंड ना करें कि लोग हमें खुशी देंगे, लोगों से हम सुकून हासिल करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। अपने अल्लाह से मांगें और वो इतना बेनियाज है कि वो कभी भी आपकी दुआ को रद्द नहीं जाने देता। मैंने आज तक अपनी दुआ, जब भी दुआ की है खुदा से, जो भी मांगा है अल्लाह ने मुझे अता किया है, लेकिन सबसे पहले मेरी दुआ यही होती है कि मैं उस रब से अपनी खुशी, अपना सुकून मांगूं। और यकीन जाने आज तक मुझे कभी भी बेसुकूनी नहीं हुई या मैं किसी डिप्रेशन का शिकार नहीं हुई, हमेशा खुश रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।